ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर, ये हमारी बहुत बड़ी लैब है और हम इस पार्ट्स के बारे में बताएंगे। जो भी दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम फाइट करेगा उनको जो भी पार्ट्स मिलेंगे वो ऐसे खुले हुए बिखरे हुए मिलेंगे, तो उनमें से एक पार्ट्स उठा के वो नाम पूछेगा कि इसको क्या बोलते हैं। तो हमें इस चीज़ के बारे में ध्यान होना चाहिए कि ये कौन सा पार्ट्स है, इसलिए मैं बार बार वीडियो बना रहा हूँ। आप इनको याद कर लो तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सबसे पहले अपन उठाते हैं ये क्या चीज़ है, किसी को पता नहीं है, इसको बोलते हैं क्लच प्लेट। ठीक है, ये लगी हुई है इस पर, ये घिस जाती है तो कैसे हो जाती है, इसको क्लच प्लेट बोलते हैं। ठीक है ना, ये पूरी इसकी थ्रेड है जो घिस जाती है, देखो इस साइड से घिसी हुई है पूरी, तो इसको अपन क्लच प्लेट बोलते हैं। ठीक है, कौन सी क्लच प्लेट है सर ये है? कौन सी क्लच प्लेट ये है? क्लच प्लेट वो है, क्या बोलते हैं इसको, जो सादी गाड़ियों में आती है ना, जो सादा इंजन आता है वो वाली है, इसमें स्प्रिंग लगी हुई है। अच्छा, ठीक है ना। और इसको एक चीज़ और बोलते हैं, इसको डायफ्राम क्लच बोलते हैं। हाँ, जो सादी गाड़ी की आती है उसको डायफ्राम क्लच बोलते हैं अपन। ठीक है, और दूसरी आएगी वो तुम्हें बताऊँगा एक और कैसे आती है। तो ये हो गई अपनी क्लच प्लेट, और अब अपन इसको ले लेते हैं, ये क्या चीज़ है, बॉल जॉइंट। ये इसको बोलते हैं दोस्तों बॉल जॉइंट। इसको बॉल जॉइंट क्यों बोलते हैं, इसको ऐसी जगह यूज़ में लेते हैं जहाँ ये मूवमेंट कर सके, इसलिए इसको बॉल जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ये क्या, अब ले लेते हैं अपन इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, देखिए छोटा सा पार्ट है, इसको बोलते हैं व्हील सिलेंडर। व्हील सिलेंडर कहाँ लगा हुआ रहता है, ये अपनों को ध्यान में रहना चाहिए। टायर के अंदर जो सादा ड्रम चलता है ना, जो सादा ब्रेक आते हैं, सादा ब्रेक कैसा आता है अभी मैं दिखा दूँ, तो वो भी यहाँ पड़ा होगा, ये बड़ा ऐसे ब्रेक चलते हैं, उसके ऊपर लगा हुआ रहता है ये। जैसे आप ब्रेक दबाओगे तो ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा। ठीक है, ये ब्रेक शू हो गया। ठीक है, ब्रेक लेदर भी बोल सकते हो, ये लेदर लगी हुई है इसकी, ये हो गया दोनों पार्ट। इसको क्या बोलते हैं, ये मूवमेंट करता है क्लच सिलेंडर, ये कहलाता है क्लच सिलेंडर। क्लच सिलेंडर गाड़ी के अंदर एक ही आता है, और वो भी जहाँ क्लच लगा हुआ रहता है उसके पास में मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये अपन ये लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टाइमिंग कवर। ये टाइमिंग कवर कहलाता है। टाइमिंग कवर जस्ट इंजन के पास, इंजन के सामने लगा हुआ रहता है, जो फ्रंट इंजन चलता है ना, जहाँ अपना ये क्राउन क्या बोलते हैं उसको, कौन से क्रैंकशाफ्ट चलती है, उसके सामने ये फिट हुआ रहता है। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रहना चाहिए, टाइमिंग हमेशा आगे लगी हुई रहती है। ये हो गया। अच्छा, ये पुल्ली कौन सी है, दो बेल्ट लगी हुई है, एक और दो क्रैंकशाफ्ट पुल्ली। ठीक है ना, एक क्रैंकशाफ्ट ऐसी होती है जो सबको घुमाने का काम करती है इंजन स्टार्ट होने के बाद। देख लीजिए, इसमें दो बेल्ट लगी हुई रहती है, एक ऑल्टरनेटर की लगती है, एक वाटर बॉडी की लगती है। ठीक है, ये हो गया। ये क्या चीज़ है, देखिए इसको पूरा आराम से देखिए, क्या बोलते हैं इसको, ये हमारी प्रेशर प्लेट हो गई, और ये हमारे फिंगर प्लेट हो गई। ठीक है, आ गया समझ में, ये प्रेशर है, प्रेशर इस हिस्से को बोलेंगे। हाँ, ये हिस्सा प्रेशर हो गया, और ये फिंगर प्लेट हो गई, ये उंगली जैसी होती है, फिंगर बोलते हैं, फिंगर लगे हुए रहते हैं, उंगली जैसी होती है। ठीक है, अब ये बेल्ट हमें ध्यान में होना चाहिए कि ये कौन सी बेल्ट है, देख लिए थ्रेड, देख लिए कौन सी कटी हुई है इसमें, ये वी बेल्ट नहीं कहलाती, ये वी बेल्ट नहीं कहलाती, ये टाइमिंग बेल्ट होती है, ये टाइमिंग बेल्ट यहाँ लगी हुई रहती है, देखिए ये टाइमिंग सेट करके चलती है। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो जानते हो, पिस्टन तीन रिंग होती है, एक ऑयल रिंग, ठीक है, एक डीजल रिंग और एक प्रेशर रिंग। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे इसकी कौन सी क्लिप आती है, गजन पिन, गजन पिन। ठीक है, गजन पिन लंबी होती है, जो अपनी उसको लॉक करके रखती है, किसको, कैमशाफ्ट, कैम को, नहीं कनेक्टिंग रोड, कनेक्टिंग रोड भी दिखा देता हूँ, कनेक्टिंग रोड कैसी है, ये कनेक्टिंग रोड बढ़िया है अपने पास में, ये हमेशा ऐसी लगी हुई रहती है, इसके बीच में गजन पिन आती है, और ये ऐसे ऐसे मूवमेंट करता है, इससे पिस्टन ऊपर नीचे चलता है। ठीक है, ये हो गया। ये अपना क्या है, ब्रेक मास्टर सिलेंडर, ब्रेक सर्वो, सर्वो, ब्रेक सर्वो बोलते हैं इसको, ये इसका सिलेंडर कहलाता है ये। ठीक है, ये सिलेंडर हो गया, और इसके ऊपर जो लगा हुआ रहता है उसको ब्रेक सर्वो बोलते हैं, पूरा कंप्लीट हो जाता है ये। ये इसको क्या बोलते हैं, माउंटिंग किट, ये है इंजन माउंटिंग, जो अपने इंजन टिका हुआ रहता है ना, चार ऐसे हिस्से रहते हैं जिसमें ये इंजन टिका हुआ रहता है, इसको माउंटिंग बोलते हैं। ठीक है, ये क्या चीज़ है,
ये वाटर बॉडी कहलाती है और ये वाटर पुल्ली जो वाटर को घुमा के इंजन जैकेट में भेजती है। ठीक है, ये एयर फिल्टर हो गया, सबको पता है कागज का बना हुआ रहता है एयर फिल्टर, ये दिमाग में रखना है। और ऑयल फिल्टर ऐसा होता है, देखिए ये हमारा इंजन ऑयल फिल्टर है और ये एयर फिल्टर है। ठीक है, ये कैसी गाड़ी में यूज होता है? ये ट्रक गाड़ी में यूज होता है, बड़ी गाड़ी में, और ये छोटी गाड़ी में यूज होता है, जैसे 407 हुई, ये भी डीजल है। हाँ, ये भी डीजल फिल्टर है। डीजल फिल्टर में ये जालियाँ मिलती है, देखिए सामने देखिए, आगे से छेद मिलते हैं, आगे से छेद मिलते हैं और ये कसने वाला होता है। ठीक है, इसको हमेशा ऑयल फिल्टर बोलते हैं। ऑयल है ये, डीजल थोड़ी है। अरे डीजल गाड़ी में यूज होता है, ऑयल डीजल गाड़ी में यूज होता है, इसको ऑयल फिल्टर बोलते हैं अपन। ठीक है, ये क्या चीज़ है? ये पेट्रोल फिल्टर कहलाता है और पेट्रोल फिल्टर हमेशा टैंक के पास मिलेगा आपको, जहाँ टंकी होगी उसके पास ही लगा हुआ रहता है। ये हो गया, ये क्या चीज़ है? आर्मेचर। ये आर्मेचर कहलाता है और ये आगे की इसकी बेंडिस कहलाती है। ये हमेशा कहाँ लगा हुआ रहता है? आर्मेचर कहाँ लगा हुआ रहता है? स्टार्टर मोटर होती है, उसके आगे बेंडिस लगा हुआ रहता है और इसके नीचे क्या लगा हुआ रहता है? सोलेनोइड शिफ्ट, फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील जैसे आप चाबी दबाओगे ये अपनी पोजीशन लेगा, यहाँ पे एकदम से घुमाएगा। ठीक है, एकदम से घूम के अपनी पोजीशन वहाँ पे ले लेगा, इंजन स्टार्ट हो जाएगा। हो गया, ये इसको क्या बोलते हैं? रियर गिरारी। ये गिरारी नहीं कहलाता, ये एक एक्सल कहलाता है। एक्सल, ठीक है ना। रियर शाफ्ट बोल सकते हैं, रियर शाफ्ट भी बोल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? एक्सल, रियर शाफ्ट या एक्सल? एक्सल, एक्सल कहलाता है ये। ठीक है ना, ये क्या चीज़ कहलाती है? सेंटर बोल्ट। ये सेंटर बोल्ट होता है, जहाँ लीथ स्प्रिंग लगी हुई रहती है उसके ठीक बीच में सेंटर रखने के लिए सेंटर बोल्ट लगाते हैं। ठीक है, ये क्या चीज़ है? ये सबको पता होगा, सलप स्टार्टर मोटर बोलते हैं। ये यहाँ पे सोलेनोइड स्विच आता है, ये एक तार लगा हुआ रहता है इग्निशन स्विच पे और एक लगा हुआ रहता है बॉडी के टच में। ठीक है, आप जैसे चाबी ऑन करोगे, ये अभी मैंने बताया था उसमें। ठीक है, ये क्लियर होगा। इसको क्या बोलते हैं? होज पाइप। इसको जो भी रबड़ की पाइप जितने भी इंजन में लगी हुई रहेगी उसको होज पाइप बोलते हैं। ठीक है, जो रबड़ की होती है। ये हमारा फिर पेट्रोल गाड़ी का एयर फिल्टर है। ठीक है ना, इसको एयर फिल्टर बोलते हैं। समझ में आ गया? एयर फिल्टर। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? सिलेंडर बोर, पिस्टन बॉक्स, सिलेंडर बोर। बोर होता है ये एक तरह का, जिसके अंदर अपन पिस्टन फिक्स करते हैं। ठीक है ना, जिसमें रिंग भी आ जाती है और पिस्टन भी आ जाता है। ठीक है ना, ये मतलब एक तरह की स्लीव होती है जो इंजन के अंदर अपन ठोकते हैं, उसके अंदर चलता है ये। हाँ, ये घिस जाता है तो ये वापस बाहर आ जाता है और वापस नया ला के ठोक दो और इसको बोर करा लो जो पिस्टन आराम से चले। ठीक है, ये क्या चीज़ है? पिनियन गियर। पिनियन गियर कहलाता है दोस्तों, और ये हमेशा पीछे कौन से रियर में कहलाता है? फ्रंट में कहलाता है, रियर एक्सल में आता है, जो बड़ा डिफरेंशियल होता है उसके अंदर मिलेगा आपको। ये दोनों चीज़ मिलेगी, एक तो ये और एक ये। इसको क्या बोलते हैं? क्राउन व्हील। क्राउन व्हील हो गया ये, और ये पिनियन हो गया, पिनियन गियर है। ठीक है, ये डिफरेंशियल में आता है। हाँ, ठीक है। और ये कौन सा क्लच है? ये अभी बताया था मैंने, रिलीज बेयरिंग। इसको रिलीज बेयरिंग बोलते हैं। रिलीज बेयरिंग किस जगह होता है ये अपने को पता होना चाहिए। ये हमेशा इंजन के गियर बॉक्स में लगा हुआ रहता है, जहाँ क्लच असेंबली होती है ना, ठीक उसके पीछे लगा हुआ रहता है। इसको रिलीज बेयरिंग बोलते हैं, क्योंकि ये क्लच को अपन जैसे क्लच दबाएंगे ना तो क्लच को रिलीज करने का काम आता है। ठीक है, इसलिए इसको रिलीज बेयरिंग बोलते हैं। अब आ जाइए इधर, इसको क्या बोलते हैं? ड्रम। क्या बोलते हैं इसको? ब्रेक ड्रम। ये एक ड्रम कहलाता है। ठीक है ना, इसको ड्रम बोलते हैं। ये हमेशा कहाँ फिट होता है? जहाँ सादे ब्रेक होते हैं उसके उसी के लिए बना रखा है, सादे के लिए। ठीक है ना, जहाँ व्हील सिलेंडर लगा हुआ रहता है उसको लगा के और ब्रेक इसी पे काम करते हैं इसकी तरह। ये क्या चीज़ है? ये प्रेशर प्लेट। ये प्रेशर प्लेट हो गई, तीन फिंगर लगे हुए हैं, ये फिंगर प्लेट हो गई। ठीक है ना, ये हो गया। ये एक माउंटिंग यहाँ रखी हुई है और ये हमारी क्लच प्लेट आ गई वापस। और ये एक और बेयरिंग मिला मेरे को, इसके बारे में बता दूं। ये दोस्तों हमेशा क्लच बेयरिंग ऐसा होता है, देख लिया, ये पीछे कुट्टे लगा हुए हैं इसमें दो। ठीक है ना, इसको क्लच बेयरिंग बोलते हैं। कौन सा बेयरिंग कहलाता है? क्लच बेयरिंग या रिलीज बेयरिंग। रिलीज बेयरिंग, ठीक है। और ये हमारा बहुत बड़ा फ्लाईव्हील आ गया। फ्लाईव्हील किस जगह लगा हुआ रहता है? जहाँ गियर और क्लच को जोड़ते हैं
ठीक है ना। और ये पता कहाँ लगा हुआ रहता है, इंजन और क्लच के बीच में, ठीक है ना। और फिर उससे पीछे होगा, उसके पीछे क्लच मिलेगा, बीच में ये मिलेगा फ्लाईव्हील, क्योंकि ये इंजन को रोटेट करने का काम में आता है। हो गया, ये इस मॉडल का गियर बॉक्स आ गया, ये इस मॉडल का गियर बॉक्स है, ठीक है ना। सादा गियर बोलते हैं इसको। अब ये हमारी पावर स्टेरिंग है, पावर स्टेरिंग रेक कैसी होती है ये भी हमें पता होना चाहिए, पावर स्टेरिंग रेक कैसी होती है, क्योंकि इसके अंदर ऑयल चलता है। अब ऑयल में कितने स्लॉट दिए हुए, इस हिस्से में इसका ऑयल चलता है, इसलिए इसको पावर स्टेरिंग बोलते हैं, देख लीजिए। और जो रेक एंड पिनियन जो स्टेरिंग होगी, रेक एंड पिनियन जो सादी स्टेरिंग, उसका मॉड्यूल हमेशा इतना बड़ा नहीं कहलाता, वो बिल्कुल पतली होती है सादी स्टेरिंग, ठीक है। हो गया ये। अब ये हमारा एक, क्या इसको क्या बोलते हैं, सस्पेंशन, क्या बोलते हैं इसको, जंपिंग, जंपिंग भी बोल सकते हो आप, क्योंकि इसका जंप करने का काम होता है, ये एक शोकर होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, मैक पर्सन स्ट्रोक, मैक पर्सन स्ट्रोक स्ट्रोक, ये इसका शुद्ध नाम है, ठीक है। और ये हमारा रियर एक्सल कहलाता है, ठीक है। इसके पीछे वो लगा हुआ है, दिखाना वो पीछे क्या लगा हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, अभी बताया था मैंने वीडियो में, है क्राउन व्हील, क्राउन पिनियन गियर आ गया, ये एक तरह का गियर होता है ये, ठीक है। ये हमारा कौन सा डिफरेंशियल है, ये रियर एक्सल, रियर एक्सल है। कैसे पता किया कि ये रियर एक्सल है, बताओ कुछ मेरे को, इसकी काश है इसमें डिफरेंशियल लगा हुआ है, डिफरेंशियल, हाँ डिफरेंशियल लगा हुआ है, ये बड़ी ट्यूब लगी हुई है इसलिए ये पता पड़ गया, ठीक है। ये हो गया। और इसके ये इसको क्या बोलते हैं अपन, व्हील ड्रम, व्हील ड्रम हो गया, इस हिस्से को व्हील ड्रम बोलेंगे, ये स्टेट नट आ गया इसके, ये स्टेट नट कहलाते हैं, ठीक है। और ये इसका हब हो गया, ठीक है। और ये हमारा फ्लाईव्हील है सामने रखा हुआ, देखिए इसको, ये फ्लाईव्हील कहलाता है, ये एसी कंप्रेसर, एसी कंप्रेसर कहलाता है ये एसी कंप्रेसर का काम आता है, पता है तुम्हें एसी कंप्रेसर का काम आता है, जो बॉडी के अंदर ठंडी हवा देता है ना, ये एसी कंप्रेसर ही देता, ठीक है ना, इसलिए इसको एसी कंप्रेसर बोलते हैं, ठंडी हवा देता है अच्छे में, ठीक है। ये ब्रेक सर्वो हो गया, ये जो मैं अभी बता रहा था वीडियो के अंदर, ये क्या है, ब्रेक सर्वो, ब्रेक सर्वो, ठीक है। ये इसका क्या गया, सिलेंडर, सिलेंडर, ठीक है। और ये ऑल्टरनेटर हो गया, ऑल्टरनेटर में कैसी पत्तियाँ निकली हुई रहती है, ये पत्तियाँ निकली हुई रहती है, इसकी पहचान है, ठीक है। ये वाटर बॉडी हो गई, वाटर पंप भी बोल सकते हो, वाटर बॉडी भी बोल सकते हो, इसको वाटर सप्लाई करने का काम आता है। सर इसमें आउट और इन कौन सा होगा, आउट और इन कौन सा, सुन मेरी बात, वाटर बॉडी कैसे लगी हुई रहती है, ऐसे लगी हुई, तो ये क्या हो गया, इन, इन। और ये जो बांध उसमें उस इंजन हेड में जाएगा वो ये कहलाता है, ये इन और ये आउट, ठीक है। रेडिएटर से एक और चीज़ बता देता हूँ, ये अपनी एक और वाटर बॉडी आ गई, ठीक है ना, एक तो आ रहा है रेडिएटर से, ठीक है, ये वाटर आ रहा है रेडिएटर से, और कहाँ जा रहा है, ये हमारा इंजन मान लो उसको, ठीक है, इंजन के अंदर जा रहा है, वापस रिटर्न होकर वापस एसी में आता है, घूम फिर के आना रिटर्न में ही है इसको, ठीक है। ये विस्कस वेन हो गया, और यहाँ से टेम्परेचर बताने का ये मॉड्यूल लगा हुआ है पूरा, कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए अपनी गाड़ी में टेम्परेचर लेवल, कितना होना चाहिए टेम्परेचर, 85 है, ये भी नहीं आता, 85 से ऊपर नहीं होंगे, 85 होना चाहिए, 90 होता है, 90 से ऊपर जाओगे तो अपना इंजन गर्म हो रहा है, 90 से नीचे ही रहना चाहिए। थर्मोस्टेट वाल्व का नाम सुना आपने, थर्मोस्टेट वाल्व किस काम में आता है, टेम्परेचर 90 डिग्री हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, और इंजन से जो गर्म पानी होगा, गर्म कूलेंट होगा, वो वापस रेडिएटर में आ जाता है, हाँ। मतलब थर्मोस्टेट वाल्व का काम, थर्मोस्टेट वाल्व का काम क्या होता है, जैसे अपना जो डैशबोर्ड होता है उसके अंदर एक मीटर लगा हुआ रहता है, वो शो करेगा कि आपका टेम्परेचर 90 डिग्री जा रहा है, तो 90 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर 90 डिग्री से अधिक होगा तो आपका इंजन गर्म हो रहा है, गाड़ी साइड में खड़ी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आज ये वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है, तो हम यही समाप्त करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।